वास्तव में हुमायूं को मुगल साम्राज्य का ऐसा शासक माना जाता है जिसका कोई अधिक योगदान साम्राज्य विस्तार में नहीं रहा। ना वो अपने पिता बाबर जैसा आक्रामक सैनिक था और ना ही अपने पुत्र अकबर जैसा राजनीतिज्ञ। हुमायूं को कमजोर शासक भी माना जाता है क्योंकि शेरशाह सूरी ने उसे धूल चटाकर उसका राज्य छीन लिया था। लेकिन अगर इतिहास का गहरा अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा कि हुमायूं इतना कमजोर शासक नहीं था, बल्कि उसे विरासत में ही एक कमजोर और अस्थिर राज्य मिला था। लोग मानते हैं कि बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव भारत में डाली थी, लेकिन ये सत्य नहीं है। अगर हम बाबर का इतिहास पढ़ें तो ये पाएंगे कि बाबर सिर्फ एक आक्रमणकारी था और उसके पास एक राजा बनने का कोई गुण नहीं था। बाबर भारत आना भी नहीं चाहता था और अपने जीवन में उसे भारत कभी पसंद भी नहीं आया। बाबर को इब्राहिम लोदी, जो कि उस समय दिल्ली का सुल्तान था, उसके दुश्मन कई बार निमंत्रण दे चुके थे ताकि इब्राहिम लोदी पर आक्रमण कर दे। और जब उसने काबुल को जीत लिया और उसके एक दरबारी ने बताया कि हिंदुस्तान में मूर्ति पूजक हैं और अल्लाह ने आपको मूर्ति पूजा का अंत करने के लिए चुना है, इस बात से बाबर अति उत्साहित हो गया और उसने 1526 ईस्वी को भारत पर आक्रमण कर दिया। मुगलों में उत्तराधिकार चुनने का कोई नियम नहीं होता था और या तो बादशाह के बेटे युद्ध करते थे और जो जिंदा बचता था वो राजा बन जाता था, या फिर राज्य का बंटवारा हो जाता था। बाबर के पुत्रों ने दूसरा विकल्प चुना और बाबर के चारों पुत्रों कामरान, अस्करी, हिंदाल और हुमायूं ने राज्य बांट लिया। हुमायूं दिल्ली का राजा तो बन गया, लेकिन ये बात कोई भी समझ सकता है कि जो राज्य लगातार युद्धों का सामना करके बना हो वो राज्य स्थिर कैसे हो सकता है। जिन राजाओं ने बाबर से हार मानकर संधि कर ली थी वो भी राज्य का बंटवारा होने पर हुमायूं के खिलाफ विद्रोह करने लगे। दूसरा, मुगलों में भाइयों में आपस में दुश्मनी रहती थी और हुमायूं के भाई खास तौर पर कामरान हमेशा उसकी हत्या करने या राज्य से भगा देने का षड्यंत्र रचते रहते थे। इस कारण हुमायूं लगातार युद्धों में उलझा रहा और 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने उससे दिल्ली का राज्य छीन लिया। इसका एक कारण ये भी था कि हुमायूं को अफीम खाने की लत थी, वो नशेड़ी था और अफीम के नशे में मदहोश पड़े रहने की उसे बुरी लत थी। लेकिन हुमायूं ने हार नहीं मानी, हालांकि उसके भाइयों ने उसका कभी साथ नहीं दिया। फिर भी उसने बैरम खां के साथ मिलकर 1555 ईस्वी में अपना राज्य वापस हासिल कर लिया। तो ये दिखता है कि 15 वर्ष तक संघर्ष करने और दर दर की ठोकरें खाने के बाद भी हुमायूं ने हार नहीं मानी और आखिरकार अपना राज्य वापस पाया। अगर बात करें औरंगजेब की तो मेरी नजर में औरंगजेब एक बहुत ही विचित्र व्यक्ति था। उसने जो किया वो हद से ज्यादा किया, वो हद से ज्यादा क्रूर, निर्दयी, शंकालु, मेहनती और सख्त था। मैंने जब भी उसके बारे में पढ़ा मुझे विश्वास नहीं हुआ कि कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है। उसने बहुत सी चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया, जैसे शराब, वैश्यावृत्ति, होली खेलना, दिवाली मनाना, तिलक लगाना, मंदिर बनाना, संगीत, नृत्य करना, चित्र बनाना, मूर्ति बनाना और भवन निर्माण करना। उसका तर्क था कि कुरान के अनुसार ये सब वर्जित है। वो ना सिर्फ हिंदुओं से नफरत करता था बल्कि शिया मुसलमानों से भी बहुत नफरत करता था। उसने ताजिया की कड़ी आलोचना की और इसे कुरान के विरुद्ध बताया। उसने असंख्य हिंदुओं और सिखों पर क्रूरता के साथ अत्याचार किए और उनका धर्मांतरण कर दिया। संभाजी की आंखों में गर्म सलाखें घुसाकर उनकी हत्या को सुनकर आज भी दिल दहल जाता है। इसके कारण हिंदुओं और सिखों ने इतने विद्रोह किए कि औरंगजेब आजीवन जूझता रहा और कभी उन्हें हरा नहीं पाया। उसके हजारों सैनिक इन विद्रोहों में मारे गए। उसने उसके पूर्वजों द्वारा बनाई गई मूर्तियों को तोड़ा और अपने पुत्र मुहम्मद के बनाए गए चित्रों को आग लगा दी और अकबर के मकबरे में बने चित्रों पर सफेदी पुतवा दी।
उसके अनुसार ये सब उसने कुरान के अनुसार किया। उसके काल में हर तरह की कला नष्ट हो गई। हालांकि मराठों और राजपूतों ने कलाओं को संरक्षण देकर उन्हें लुप्त होने से बचा लिया। उसने कभी अपने पुत्रों को शिक्षा नहीं दी और ना ही उन्हें राजकाज के कार्य सिखाए, क्योंकि उसे डर था कि उसके पुत्र योग्य हो गए तो वो उसकी हत्या करके खुद राजा बन जाएंगे। उसने कभी किसी मंत्री या सेनापति पर भरोसा नहीं किया और 90 वर्ष की उम्र में भी वो छड़ी के सहारे चलकर सेना का नेतृत्व करता था। तो मेरे हिसाब से हुमायूं को अपना नेतृत्व दिखाने का मौका ही नहीं मिला, जबकि औरंगजेब ने बड़ा साम्राज्य हाथ में होते हुए भी उसे मिट्टी में मिला दिया। औरंगजेब एक भयानक रूप से असफल व्यक्ति साबित हुआ। अगर औरंगजेब थोड़ा भी योग्य होता तो शायद मुगल साम्राज्य कभी खत्म नहीं होता। तो औरंगजेब और हुमायूं की तुलना करना कोई उचित तो दिखाई नहीं देता, पर फिर भी औरंगजेब के मुकाबले उसका हर पूर्वज एक बेहतर शासक था।